वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन देख रहे हैं जीडी का, सेट 40, डे 40, डे 40वां दिन का सेट का सॉल्यूशन है। सवाल मैथ्स का पहला दे रहा है, कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 3 × 7 कम हो जाता है। मतलब किसी संख्या x मान लिए, x में अगर हम जोड़ दें कितना 21, तो वह अपने के 3 × 7 कम होगा। तो कहने का मतलब तिगुना, अपने संख्या माने थे x, उसमें 21 जोड़ेंगे तो अपने के 3 × 7 कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 2x हो रहा है और इधर 7 यानी कि 28 आ रहा होगा, यानी कि x बराबर 14 आ रहा होगा। आंसर हो जाएगा ए, बाई ऑप्शन भी बना रह सकते थे इसको, आंसर 14 होगा। सवाल अगला दे रखा है, करेक्ट 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले तो सबका एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम आपको आ जाएगा 120, और 120 सेकंड होगा, यानी कि आपको 2 मिनट के अंतराल पर बचता है। तो 30 मिनट में वह कितने बार बजेंगे, तो 2 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो कितनी बार बजेंगी, उसकी संख्या कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। आंसर इसका 15 होगा, सवाल आपका इसका आंसर हो जाएगा 15 सी। अगली तरफ बढ़ते हैं, सवाल अगला है, कहता है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे तक 20 की गति से जाता है लेकिन 30 की गति से वापस आता है। जब एक ही दूरी के कोई अलग अलग चालों से चले तो औसत चाल होता है 2 × xy / x + y, एवरेज स्पीड ही होता है, औसत चाल ही होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, गया है किस चाल से, 20 से, उसी दूरी को आया है किस चाल से, 30 चाल से, 30 से, 30, 20, 50, आप देख रहे हैं 5×20 = 12 × 24, इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 के बाद 44, कहता है कि यदि एक पिता अपने माता से 7 वर्ष बड़ा है और माता की या पुत्र की आयु की 3 गुनी है, फादर इज थ्राइस ऑफ सॉरी 7 ईयर ओल्ड देन मदर, 7 वर्ष बड़े हैं ठीक है, और माता की आयु अब पुत्र की आयु की 3 गुनी है, माता की आयु डॉटर की आयु की 3 गुनी है ठीक है, बेटी अब 10 वर्ष की है, अब पुत्र की आयु की 3 गुनी है, बेटी 10 वर्ष की है। तो बेटी के समय पिता की उम्र क्या थी, ये 10 की है तो ये 3 × 10 थी 30 की, और ये कितने 37 की। ये अगर जन्म के समय 0 होगी तो 10 कमी होगी, तो यानी कि ये भी 10 कम रहे होंगे, तो उस समय होंगे ये कितने के, 27 वर्ष के। आंसर आपका 27। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं, आंसर 27। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सवाल अगला डीआई का सवाल है। ये सवाल कह रहा है 45, कहां से कहां तक क्वेश्चन है इसके, 45 से 48। मैं एक काम करता हूं, मैं सवाल उधर पढ़ूंगा और 45 का नंबर यहां बनाऊंगा, 46, 47, 48 तीनों बनाऊंगा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3000 लोग हैं इसमें, सॉरी 30000 लोग, जो कि कहता है कि लोग सैंपल के लोगों की खाद्य सामग्री का सर्वेक्षण किया है, कौन क्या क्या खाता है। तो मीट खाता है कितना लोग, 6%, मछली 5%, 30% सब्जी और रोटी खाता है, 20% सलाद खाता है, 15% 13% अंकुरित चना खाता है, 11% फल खाता है। तमाम डेटा दिया हुआ है, अब आगे सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है कि सब्जी पसंद करने वाले और अंकुरित चने पसंद करने वाले की कुल संख्या कितनी है, सब्जी और अंकुरित चने। तो सब्जी आपका कितना, सब्जी और अंकुरित चने, सब्जी आपका है 30% और अंकुरित चना है आपका 13%, यानी कि 13, 30, 43%, यानी कि 3000 का 30000 का 43% यानी 43/100 करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 3 × 9 = 12, 12900, यहां पर हो जाएगा 12900। ऑप्शन में कोई है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। मैं अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ता हूं। मांस पसंद करने वाले, मीट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, मछली पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच का क्या अंतर है, मांस और मीट और मछली, आइए मीट मछली के बीच अंतर। मैं 46 देख रहा हूं, 46 में
मांस कितने लोग, मांस आपको खाते हैं 6% और आपको मछली 5%, यानी कि 6% और 5% के बीच का अंतर कितना होगा, 1%। तो किसका 1% निकालिएगा, 30,000 का 1%, 30,000 का 1% आपका हो जाएगा 300, आंसर हो जाना चाहिए। 46 का देखिएगा, 46 का आंसर है आपका 300 सी में, ठीक है। 47 नंबर, यानी डी डी बड़ी आसान दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर कहता है फल पसंद, फल पसंद करने वाले लोगों को, लोग सब्जी पसंद करने वाले लोगों का लगभग कितना परसेंट है। फल पसंद करने वाले लोग, सब्जियों को पसंद करने वाले का, सब्जी को नीचे रखना है और फल को ऊपर रखना है भाई साहब, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। सब्जी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, सब्जी 45 ना, क्वेश्चन नंबर 47। फल पसंद करने वाले लोग, सब्जी पसंद करने वाले लोगों का कितना परसेंट है। तो फल पसंद करता है 11 और सब्जी पसंद करता है 30, तो कितना परसेंट है इसका। परसेंटेज को ये ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 लोग 30 पसंद करता है क्या, सब फल और 30 लोग सब्जी, तो परसेंटेज देखिएगा 110/3 होगा। 110/3% का मतलब कितना होता है पता है, 3 3 9, 2 बच गया होगा, 3 6 18, यानी कि 2 बच गया होगा, फिर 3 6 18, इतना 36.66% या 6.7%, 36.67% जो भी आता होगा, क्या है आंसर। फल पसंद करने वाले लोग, सब्जी को पसंद करने वाले लोगों का लगभग कितना परसेंट है, तो 37 आ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि 36 पॉइंट कुछ कुछ है, तो यानी कि 37 ये ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर है बात। 47 क्वेश्चन नंबर, 48 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहता है कि मांस पसंद करने वाले लोगों की संख्या का सलाद पसंद करने वालों से क्या अनुपात है। तो मांस पसंद करने वालों का सलाद पसंद करने वालों से क्या अनुपात है भाई साहब, ये देखना पड़ेगा। मांस पसंद करने वाले यानी कि 48, मांस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 5 नहीं 6%, मांस 6% का पसंद करते हैं, और उसको किससे निकालना है, सलाद परसेंट, सलाद से, तो 15% से क्या अनुपात है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 5 15, 3 2 6, 2 5 5, जो भी होगा आंसर होगा 2 5 5, आपका आंसर हो जाना चाहिए। 2 5 5 कौन सा है, ए में है, मुझे लगता है कि 48 क्वेश्चन तक समझ गए होंगे। 49 देखिएगा, 49 है सिंप्लीफिकेशन का धासु क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसको छोड़ रहे होंगे। देखिएगा ये क्या है, ये बढ़िया से सवाल लिखिएगा, 3 5 15/2 है, कहे कि ये दोनों को पहले गुना कर देंगे फिर भागा दे देंगे, और प्लस 3x/, ये एक तरह से ब्रैकेट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x(1+1+), यानी कि आप ऐसा ना कीजिए, पहले जैसे है वैसे लिखिए, चूंकि आपको शायद समझ में ना आए, तो 1 12/2 + 2x/1 - x है, ठीक है, और इतना बराबर 12 2 24 25/2 है, तो ये अगर घटा देते हैं उधर ले जाके, तो 3x/, ये गुना करेंगे तो 1 12 × 1 - x हो जाएगा, ये वाला पल नहीं 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 12/2 × 1 - x और प्लस 2x, और तब जाके ये आएगा 1 - x, ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, इसका एलसीएम लिए तो 2 × 1 - x, और ये तो 2x था, ये तो 2x लिख दिए, और ये जो बचा था सो क्या कर दिए, पलट दिए, ठीक है, और इतना जो आया, और ये 25/2 और -15/2 इधर आ गया, तो यहां पर 10/2 यानी कि 5/2 हो गया, ये कितना हो गया भाई, 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा ये। अब इधर देखिए एक बार और देखिएगा इसको, ये सोल्व कीजिएगा तो 2 - 2x यानी कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि देख रहा होगा 3x/1 + 12 - 12x बटा यहां पर दिख रहा होगा 2 - 2x यानी कि 2 बच रहा होगा ये,
और बराबर इधर पांच आ रहा होगा, ये देखो ये पांच ही बचा था। अब ये आपको ये जो भागा देके देखेंगे तो ये मिलेगा हमको 3x बटा में 1 प्लस 6 माइनस 6x और बराबर कितना 5। आप देख रहे होंगे कि ये 7 है, यानी कि यहां पर लिखेंगे 3x बराबर 35 माइनस 6 पचे 30x, और 30x इधर आएगा तो 33x बराबर 35 होगा, यानी कि x बराबर 35 बटा 33। ऐसा सवाल सीजीएल भी नहीं पूछता है, ठीक है, पूछा है जीडी में कोई बात नहीं, आपका सेट है, उसका मॉडल सेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते थे। अगला बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि सर जहां उसमें अगर फंसते तो फिर ये भी झंझना दिया होगा, क्योंकि ये सवाल कह रहा है कि तीन अंकों वाली संख्याएं 335, 2x5 और x35 और 63x और 60406 का औसत 441 दिया है, यानी कि पांच संख्याओं का 441 ये औसत दल है, 441 एक 411 औसत दल है, यानी कि योग कितना होगा, योग होगा पांच, पांच पंचम का 20, 255 योग होगा, योग कितना होगा 255, यानी कि सभी को जोड़ने पर जब भी ऐसा x वाला दे दे तो ऐसे लिखिए सबको अरेंज करके 2x5 और x35 और 63x और 406, पांच हो गए ना, दो दो चार एक पांच, इतना को जोड़कर आना चाहिए 2055। पकड़ाएगा कैसे कि कौन क्या है, x का वैल्यू क्या है, पांच पांच दस पांच पंद्रह, पंद्रह छ 21, एक्स क्या रहेगा, एक्स क्या रहेगा कि ये छः पाँच आ जाए, 21 में कितना जोड़ेंगे कि पाँच आ जाएगा, 21 चार 25 होता है, यानी कि एक्स शुड बी 4, एक्स चार होनी चाहिए, क्योंकि चार होगा तभी 25 आएगा, और चार होगा तो यहाँ पर भी तीन सेटिस्फाई करेगा, तो 25 के पाँच हाथ में दो आ जाता और तीन तीन नौ चार तेरह और दो पंद्रह फिर आ जाता, यानी कि एक्स बराबर कितना होना चाहिए, चार होना चाहिए, और अगर x बराबर 4 है तो x माइनस 1 यानी कि कितना, x में माइनस 1 यानी कि 3 और x माइनस 3 यानी कि 2, अरे 4 में से x बराबर आपने कितना ले लिया 4, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 4 3 7 होगा, नहीं 2 नहीं होगा बल्कि 1 होगा ना, 4 में से 3 गया 1, 3 7 और 4 5 4 9, सबका औसत पूछ रहा है, तो इतना को जोड़िए और दूसरे ये 4 से भागा दीजिए, 20 बटा आ जा रहा होगा 4, तो आंसर आ जा रहा होगा कितना 5, आंसर होगा सी। तो ये सवाल आसान था, मुझे लगता है केयर कर रहे होंगे और बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है बाबू, यदि एक व्यक्ति कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि वह दो कमीज खरीदे तो पहली कमीज पर उसको 5%, दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलती है, मिलेगी। यदि व्यक्ति को दो कमीजों के लिए इतना रुपये भुगतान किया हो और प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या है, यानी सबका अंकित मूल्य लिखिए, तो पहला का अंकित मूल्य अगर मान लीजिए 100 है, कमीज का अंकित मूल्य मान लीजिए हम 100, अंकित मूल्य मान लीजिए x मान लीजिएगा या 100 मान लीजिएगा, बात एक ही है, अंकित मूल्य अगर मैं 100 माना अंकित मूल्य, तो पहला को 5% छूट यानी 95 में बेच रहा होगा पहला को, और दूसरा को बेच रहा होगा प्रत्येक का, प्रत्येक का अंकित मूल्य माने हैं हर एक कमीज का अंकित अंकित मूल, और दूसरा को बेचा होगा 92 में नहीं, और ये दोनों का लग गया होगा आपको कितना मेरे अनुसार 9, 9, 18, 187, लेकिन कह रहा है कि दोनों के लिए कितना भुगतान किया है, अरे कितना किया है दोनों के लिए 900, यानी कि 187 है 100 900, और प्रत्येक का कमीज का मूल्य पूछ रहा था, हमने कितना माना था 100, तो सर कहेंगे कि 6% का तो कोई मतलब नहीं है, तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो इससे कट जाएगा कितने बार में, पांच बार में, 18, 95 नहीं, 7, 5, 3 18, 95, 3 पांच बार में नहीं कट रहा है, यहां पर पांच बार में नहीं कट रहा है जनाब, तो फिर कितने बार में कट रहा है, फ्रैक्शन में लगता है क्या आ रहा है,
पांच बार में तो नहीं कट रहा है, पांच बार में ज्यादा हो जा रहा है, 500 से कम आएगा, तो 500 से कम एक ही वही है, 494, 494 आएगा लगभग, मैं बोल रहा है 494 आएगा, क्योंकि देखो ये पांच बार में कटता तो 1895 935 होना चाहिए था, तो 935 नहीं है, इसका मतलब कि पांच बार में पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब कि कम बार में कटेगा, तो कम बार में 494 ही आंसर होगा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, ठीक है आंसर ए। अगला सवाल देखते हैं, मुकुल 9300 की धनराशि को दो भागों में उधार देता है, पहले भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 8% पर, चार वर्ष बाद 2400 रुपया वसूलता है, तो 5% और 8% का अनुपात क्या है। देखो बाबू, अगर कुल एसआई दिया हुआ है 9300 प्रिंसिपल है और कुल एसआई दिया हुआ है कितना 2400 और समय दिया हुआ है कितना 4 वर्ष, तो हम रेट निकाल लेंगे, ये इसको औसत रेट बोलते हैं, कुल रेट, कुल धन पर दर कितना है, अरे औसतन दर निकाल लीजिए, क्योंकि देखो कुछ धन तो लगाया 5% पर और कुछ धन लगाया किस पर 8% पर, पहला धन कुछ लगाया होगा ऐसे, और हमें औसत रेट अगर पता लग जाए जिससे कि कुल ब्याज कितना आया 2400, तो औसत दर क्या हो जाना चाहिए, औसत दर 2400 रुपया ब्याज मिला है और कितना पर मिला है 9300 पर 4 वर्ष में, तो जो भी औसत दर आएगा तो ये ऐसे करने से आएगा, इसको काटिएगा 00000 4 6 24 600 बार में 31 93 और यहाँ पर 200 3 600, तो 200 बटा कितना आएगा 31% आ रहा है, इसी को बीच में रख दीजिए, 200 बटा 31% को बीच में रखेंगे, ये आपको एलिगेशन से निकालिएगा, प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा, 31 पच्चे कितना 155, 155 घटाएंगे तो 45 आएगा क्या, 200 में से 155 घटाएंगे कितना आएगा 5 5 10 5 4 9 145 आ जाएगा, ठीक है, और 31 8 तो 8 8 3 24 248, तो यानी कि 48 बटा कितना आएगा ये 31 आएगा, क्या अनुपात आ जाएगा इसका 16:15 आपको 15 आएगा काटने से, क्योंकि ये दोनों कट जा रहा होगा नीचे से नीचे और ऊपर वाले 16:48 15 किया, तो पहला और दूसरे धन का अनुपात 16:15 कितना होगा, पहला 15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा डी आंसर होगा, मुझे लगता है कि बात अब रेट निकाल लेना है औसतन सब मिला के रेट और उसको बीच में रख देना है, प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा, ये प्रिंसिपल का अनुपात आता है कितना धन लगाया गया था दोनों भागों में, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है क्या बात, देखो मैं नहीं दिखता हूं तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा होता हूं तो समझ आ कीजिए, ठीक है अगला सवाल देख रहे हैं हम, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाता है भाई साहब, तो क्या कह रहा है, तो कितने वर्षों में 2401 गुना हो जाएगा, है कितना वर्ष में 2401 गुना हो जाएगा, 2401 गुना हो जाना है, भैया कह रहा है कि 3 वर्ष में प्रिंसिपल 1 से 7 हो जाता है, 7 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 1 से 2401 गुना हो जाएगा, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि है कितना पावर 7 का, 7 का पावर 4 है, 1 का पावर 4 है, लिख सकते हैं 1 का पावर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसका पावर देखना होगा, क्योंकि 1 साल में ये पावर 1-1 होता है, तो 4 पावर होने में कितना साल लग जाएगा, तो जितना पावर होगा उतना समय से गुना कर दीजिए, यानी 36 12 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा आंसर 12 वर्ष, तो देखिएगा ये आंसर हो जाएगा इसका 12 ईयर, यानी कि बॉल आंसर, क्लियर है, बॉल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके देता है, इसका आंसर तो बॉल होगा, खैर 12 वर्ष, एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम, ये पूरा काम निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे पूरा काम, 12 × 5/2 कर दीजिए, ठीक है, तो कितना दिन में 30 दिन में, बी 66 उसी काम का 66.2/3%, 66.2/3% का मतलब 2/3 भाग, तो 16 दिन में, तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा, तो 16 × 3/2 कर दीजिए, ये निकाल के देखना 2/3 आएगा ही, तो 2/16 8 3 24 दिन। अब कहता है कि ए 30 दिन में कर रहा है, मुझे डेटा मिल गया कि भैया ए जो है सो 30 दिन में कर रहा है और बी है सो
24 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 30 चौका 120, 24 पचे 120। कहते हैं वे 10 दिन तक साथे करते हैं, तो 10 दिन में तो कर दिए होंगे इन लोग, जानते हैं 5 और 9 10 9 90 काम कर दिए होंगे। अगर 90 काम, अरे चूंकि प्रतिदिन ये 4 काम और 5 काम करते हैं, तो 9 9 काम के हिसाब से 10 दिन में 90 काम हो गया होगा। 90 काम अगर हो गया है तो बी अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा। 90 काम हो गया तो 90 काम घटा देंगे तो बचा कितना 30 काम। शेष काम 30 को बी अकेला 5 के हिसाब से, 30 काम को बी 5 के हिसाब से करेगा कितना दिन 6 दिन आंसर हो जाएगा। यानी कि मुझे लगता है कि आपको बात स्पष्ट हुआ है, आंसर हो जाएगा कौन सा 6 दिन। यानी कि 54 का आंसर ए हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 60% लड़के हैं। भैया अगर कुल छात्र मान लिए 100, तो 60% लड़के, तो 40% लड़कियां, ठीक है। अब कहती है लड़कों का 20% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, लड़कों का नलायक वन, और लड़कियों की संख्या का 65% पास हो गए, तो कुल पास होने वाले का, ए बाबू 80% लड़कन पास हुआ है और 65% चूंकि पास का पूछ रहा है, 65% लड़कियां पास हुई हैं, पास का है। तो कहता है कुल कुल कितना, यानी कि 100 में कितना परसेंट पास हुए ये पूछ रहा है। तो आपको पता है काट दीजिए, काटिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। 20 से कट जाता है, 20 तिहाई 60, 20 दुनी और 20 पचे, यानी 5 छात्र टोटल है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट मेथड से, मुरकाटिया मेथड से 5x और 65 दुनी 130 और पहले 63 की 240 बराबर, देखो 370 बराबर 5x, तो x बराबर 74% आंसर होगा इसका। यानी टोटल कितना परसेंट था, 74% मिला के पास हुआ टोटल। डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं बाबू, कुल निकाल, कुल में कितना पास हुआ है अगर ये निकालना है तो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। अगला सवाल, सवाल चमचमाते हुए स्क्रीन पे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि भाग या ऑफ का क्रिया आप जानते हैं। पहले करना है 4 दुनी 8, तो 4 भागे 8 हो गया, प्लस 8 चौका तो 8 बटा 32 हो गया, और ये प्लस ये ब्रैकेट में पहले करना है। फिर कह रहा है कि 9 में से 4 यानी कि 5 गुने 9 यानी कि 9 गुने 5, 8 चौका 32, 4 दुनी 8 भागे यहां पर कितना आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 है ना, तो ये 3/4 आएगा। इसको लिखिएगा तो 9 गुने 5 गुने 4/3, तो 3 तिहाई 5 × 20, 20 तिहाई 60 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है 60 इसका आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है समझ में आपको आ रहा होगा। सवाल अगला बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कुछ इस प्रकार कि 18 आदमी प्रत्येक 7 दिन में काम को करते हैं, 7 आवर अ डे 18% कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 32 डेज। मतलब कि 7 घंटा प्रतिदिन करके, 7 घंटा प्रतिदिन करके 18 आदमी 32 दिन में काम को कर दे रहे हैं, और इसी काम को करवाना है हमको 14 आदमी से, जो कि इन हाउ मेनी डेज वुड 14% कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग हाउ मेनी डेज, एक्स मान लेते हैं डे को, वर्किंग 8 आवर पर डे, 8 घंटा प्रतिदिन
करेगा तो कितने दिन में कर देगा कंप्लीट, ये देखिएगा कैलकुलेशन करके देखिएगा। 8 चौका 32, 7 दुनी 14, 2 दुनी 4, 18 दुनी 36 दिन में होगा आंसर। ऑप्शन में अगर 36 है तो फटाफट आंसर लगा सकते हैं आप, आंसर है कौन सा 36। 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे पूछ रहा था। अगला सवाल देखिएगा, तो आगे का सवाल है आपका 58। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और 10% छूट देता है। तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं, एमपी मान लिए 100 रुपया, उस पर खरीदता कितना है, सीपी कितना परसेंट पर खरीदता है, 80% पर खरीदता है, यानी कि 80 रुपये में खरीद लिया और उसका 10% छूट पर बेचता है, तो बेचा 10% छूट पर, एसपी कितना हो जाएगा, 10% कम में बेचता है तो 90 में, यानी कि लाभ कितना हुआ भाई साहब, लाभ हुआ कितना रुपया 10 रुपया, और 10 रुपया लाभ हुआ कितना में 80 में, तो प्रतिशत लाभ का मतलब कितना, 1/8 को बोलते हैं 12.5%, आपको यही आंसर होगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ये आपका आंसर कौन सा सी 58 का आंसर सी। 59 देखिएगा, सवाल आपके सामने चमचमाते हुए स्क्रीन पे, कह रहा है किसी निश्चित संख्या को 65 से विभाजित करते हैं, 65 से काटने पर शेष कितना बचता है, अगर भाजक 65 है तो शेष आपका 56 बच रहा है, लेकिन अगर भाजक 13 है तो शेष कितना, देखिएगा भाजक अगर 13 से ही पहल का भाजक कटता है तो 13 से डायरेक्ट इसमें भगा दे दीजिए, अगर ये कटता है तो इसमें डायरेक्ट भागा देके देख लेना है, जितना शेष आएगा उतना ही शेष आएगा, 13 चौका 52, यानी कि शेषफल कितना आएगा 4, शेष कितना आया 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया, शेषफल x आना है, x बराबर कितना गया 4, क्या निकालना है, रूट अंडर 5x-2 निकालना है, क्या होगा ये, तो 5 चौका 20 माइनस, चूंकि x का वैल्यू 4 लिया है, 5 चौका 20 - 2 यानी कितना √18, √18 को क्या बोलते हैं 3√2, क्योंकि 9 बाहर निकल जाएगा तो 9 के बदले 3 लिखेंगे और 2 रहेगा अंदर में, 3√2, आंसर कौन सा डी, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। 59 के बाद 60 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा मान क्या है, इसमें से सबसे छोटा मान क्या है, देखो ये 401-309 का अंतर कितना होगा, 309 का अंतर, यहां पर ये 9 2 11, ये बच गया आपका 9 92, इसका अंतर कितना आ रहा है 92, और इसका अंतर कितना आ रहा है 2, अंदर अंदर वाले का केवल, और इसका भी अंतर कितना आ रहा है 2, इसका भी अंतर कितना आ रहा है 2, देखो यहां पर लॉजिकली यहां पर इतना होना चाहिए था, 399 होना चाहिए पहले तब ये सवाल बनेगा, 399 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए प्रश्न में सुधार लेना, ये बहुत अच्छा सवाल है, 399 होना चाहिए यहाँ पे। अब आप जरा सा सोचिए क्या है, अगर अंतर सेम है तो जिसका योगफल बड़ा होगा वही बड़ा होगा, अगर अंतर सेम है तो किसका योगफल बड़ा होगा, देखो इसका योगफल कितना होगा, इसका योगफल 200 होगा, कैसे सर, इसका योगफल 100, इसका योगफल कितना होगा अंदर वाले का, अगर अंतर सबका बराबर है, यहां पर अंतर देखो कितना 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, हम भी 2, यहां पर भी 2, सबका 2 आएगा, क्वेश्चन ऐसे रहना चाहिए था, तब अंतर क्या होगा आपका बराबर होगा 401-399, यानी कि जोड़ के देखना है, अगर अंतर बराबर आ रहा है तो योगफल जिसका बड़ा आएगा वही सबसे छोटा होगा, तो किसका बड़ा आएगा, यही वाला बड़ा बड़ा संख्या है तो एक रहेगा अंतर बड़ा, सॉरी योगफल बड़ा, अंतर बराबर रहने पर योगफल बड़ा वही छोटा, और अगर योगफल बराबर है तो योगफल बराबर रहेगा तब तो जेकर अंतर छोटा वही बड़ा, क्लियर है बात, इस बात को बार बार सुन सकते हैं, मैंने बोला है, जय हिंद जय भारत।